हरियाणा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं, ये अभी अभी एक ऑर्डर जारी किया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज एसटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेज फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी इन द स्टेट। तो हरियाणा सरकार ने सीटेट को एचटेट के इक्विवेलेंट मान लिया है। किस पर्पस के लिए? पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसीज के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा पीआरटी और टीजीटी वैकेंसीज के लिए, यानी कि अब आपको एचटेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है और आप पीआरटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे भले ही आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट ना हो। आप देख सकते हैं, डॉक्टर महावीर सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, 29 सितंबर 2021, अभी से कुछ देर पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बहुत अच्छी अपडेट है ये हरियाणा सरकार की तरफ से। तो अब आपको डबल डबल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने सीटेट पास कर रखा है और जब हरियाणा में पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसीज निकलती है तो उनसे एचटेट का सर्टिफिकेट फिर से मांग लिया जाता है, तो अब उनसे दोबारा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। जिनके पास भी सीटेट का सर्टिफिकेट है वो इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल माना जाएगा एचटेट के, और वे अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी और टीजीटी के लिए। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी? हरियाणा सरकार के फैसले पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।